कौन बनेगा करोड़पति के इस सीजन में नाजिया नसीम पहली करोड़पति कंटेस्टेंट बनी। बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ सवालों का सामना करते हुए नाजिया आगे बढ़ी और 12,50,000 के सवाल तक उन्होंने एक भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया। नाजिया किन सवालों का सामना कर 7 करोड़ तक पहुंची, आइए जानते हैं। पहला सवाल, 1,000 रुपए के लिए कोल्ड ब्रू, लाते और एस्प्रेसो ये तीनों किस प्रकार के पेय पदार्थ हैं? ऑप्शन ए चाय, बी फलों का रस, सी कॉफी, डी लस्सी। और इसका सही जवाब है कॉफी। दूसरा सवाल, 2,000 रुपयों के लिए इनमें से किस टर्म का इस्तेमाल रैकेट से खेले जाने वाले एक खेल में स्कोर के लिए होता है? ऑप्शन ए हेट, बी लव, सी डाउन, डी अप। सही जवाब लव। तीसरा सवाल, 3,000 रुपयों के लिए रजत शर्मा, सोनिया सिंह, राहुल कवल और सुमित अवस्थी ये सभी किस पेशे से जुड़े हैं? ऑप्शन ए एस्ट्रोलॉजी, बी पत्रकारिता, सी चिकित्सा, डी कानून। सही जवाब पत्रकारिता। चौथा सवाल, 5,000 रुपयों के लिए सितंबर 2020 में किस प्रसिद्ध मोटरसाइकिल ब्रांड ने भारत में अपने विनिर्माण परिचालन को बंद करने की घोषणा की? ऑप्शन ए हार्ले डेविडसन, बी ट्राइम्फ, सी इंडियन, डी आर्कटिक कैट। सही जवाब हार्ले डेविडसन। पांचवा सवाल, 10,000 रुपए के लिए दीदी तेरा देवर दीवाना गाने में माधुरी दीक्षित ने किस रंग की साड़ी पहनी जो बाद में देश में एक फैशन ट्रेंड बन गया? ए हरा, बी लाल, सी पीला, डी बैंगनी। सही जवाब बैंगनी। छठा सवाल, 20,000 रुपयों के लिए इनमें से कौन इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए सलात, बी जकात, सी हदीस, डी हज। सही जवाब हदीस। सातवां सवाल, 40,000 रुपए के लिए जामताड़ा शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। सही जवाब ऑप्शन सी बिहार। आठवां सवाल, 80,000 रुपयों के लिए कौन सा उपन्यास जिस पर 2020 में मीरा नायर ने एक टीवी सीरीज बनाई मेहरा कपूर खान और चटर्जी नामक 4 भारतीय परिवारों के जीवन के इर्द गिर्द घूमता है? ऑप्शन ए द ग्रेट इंडियन नोवेल, बी अ सूटेबल बॉय, सी अ फाइन बैलेंस, डी द गोल्डन गेट। सही जवाब अ सूटेबल बॉय। नवा सवाल, 1,60,000 रुपयों के लिए यहाँ पर उन्हें एक ऑडियो क्लिप सुनाई गई और उस पर पूछा गया इस ऑडियो क्लिप में जिस नेता की आवाज सुनाई दे रही है उन्होंने इनमें से किस मंत्रालय का कार्यभार कभी नहीं संभाला? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास, बी महिला एवं बाल विकास, सी कपड़ा, डी विधि एवं न्याय। सही जवाब विधि एवं न्याय। इसके बाद 10वें सवाल में उन्हें एक वीडियो क्लिप दिखाई गई और इसमें था वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहे इस पक्षी को पहचानिए। ऑप्शन ए ग्रेट हॉर्नबिल, बी आइबिस, सी लार्क, ऑप्शन डी मोआ। सही जवाब ग्रेट हॉर्नबिल। 11वां सवाल, 6,40,000 रुपए के लिए साल 2020 में बनी बायोपिक फिल्म गुलमकई इनमें से किस पर्सनैलिटी पर आधारित है? ऑप्शन ए बेनजीर भुट्टो, बी आयशा चौधरी, सी ग्रेटा थनबर्ग, डी मलाला यूसुफ। सही जवाब मलाला यूसुफ। 12वां सवाल, 12,50,000 रुपए के लिए कण्व वंश ने 73 ईसा पूर्व के आसपास इनमें से किस राजवंश को सत्ता से बेदखल कर मगध की सत्ता प्राप्त की थी? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी पाल वंश, ऑप्शन डी चेर राजवंश। सही जवाब शुंग वंश। 13वां सवाल, 25,00,000 रुपयों के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल विजेता को प्रदान की जाने वाली ट्रॉफी का नाम किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए डेफने एकहर्स्ट, डी मार्गरेट कॉट, सी इवोन गुलागोंग कॉली, डी लेस्ली बाउरी। सही जवाब डेफने एकहर्स्ट। 14वां सवाल, 50,00,000 रुपयों के लिए इनमें से कौन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति बने?
ऑप्शन ए सुल्तान जहां बेगम, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी सर शायद अहमद खान, डी मीर उस्मान अली खान। सही जवाब सुल्तान जहां बेगम। 15वां सवाल 1 करोड़ के लिए, इनमें से किस अभिनेत्री ने कभी सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए दीपिका चिखलिया, बी रूपा गांगुली, सी नीना गुप्ता, डी किरण खेर। सही जवाब है रूपा गांगुली। इस सवाल का उन्हें सही जवाब नहीं पता था, इसलिए उन्होंने फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। उन्होंने एंटरटेनमेंट फील्ड से सवाल पूछे जाने का विकल्प चुना। 16वां सवाल 7 करोड़ रुपयों के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कहां सबसे पहली बार आजाद हिंद सरकार की उद्घोषणा की? ऑप्शन ए कैथे सिनेमा हॉल, बी फोर्ट कैनिंग पार्क, ऑप्शन सी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ऑप्शन डी नेशनल गैलरी सिंगापुर। इस सवाल का सही जवाब नाजिया को नहीं पता था और इसलिए यहां पर आकर उन्होंने खेल को क्विट करने का फैसला किया। और इस सवाल का सही जवाब है कैथे सिनेमा हॉल। जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट सेशन में हमें जरूर बताइएगा। बाकी दूसरी खबरें और अपडेट्स यूं ही जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।